नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में महल सिंह हत्याकांड में अभियुक्तों के घर की कुर्की हुई। काशीपुर थाने के अंतर्गत चौकी कुंडेश्वरी से भारी संख्या में पुलिस बल के साथ काशीपुर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह, सीओ वंदना वर्मा, थाना प्रभारी मनोज रातूड़ी ने दोपहर में महल सिंह के हत्यारे हरजीत सिंह उर्फ काला और उसका पुत्र तनवीर सिंह के खिलाफ धारा 302 के मामले में फरार चल रहे अभियुक्तों को न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने विगत दिनों कुर्की के आदेश जारी किए थे, परंतु महल सिंह हत्या आरोपियों द्वारा गिरफ्तार न होने के कारण आज थाना काशीपुर पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों के घर की कुर्की करते हुए घर का सारा सामान ट्रैक्टर में भरकर ले गए। उधर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने पत्रकारों से वार्ता की। कुर्की के दौरान एसएसआई प्रदीप मिश्रा, एसआई सुरेंद्र सिंह, नवीन बुधानी, दीपक जोशी, ललित बिष्ट, कंचन पडलिया, अशोक कौनपाल, अशोक देवरानी समस्त चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। उधम सिंह नगर संवाददाता मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। ग्राम दुर्गा निवासी महल सिंह की जो हत्या हुई थी उसके बारे में आप भी गया, उसमें जो शूटर आए थे और जिन लोगों ने लोकल लेवल पर लॉजिस्टिक दी थी उनको अरेस्ट करके हमारे द्वारा थाने न्यायालय को समर्पित किया गया, जो वर्तमान में जेल में है। विवेचना के दौरान ही ये चीज़ आई थी कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त हरजीत काला और इसका बेटा तनवीर जो कि लगातार फरार चल रहे थे, तो 82 CRPC की कार्रवाई करके हमने चस्पा भी किया था, फिर भी इसने न माननीय न्यायालय के समक्ष ऐसा मैटर किया न पुलिस के समक्ष आया। उसी क्रम में आज हमने माननीय न्यायालय से आदेश का प्राप्त किया कि यहाँ पर कुछ भी कार्रवाई जो 82 CRPC की कार्रवाई है उसको अमल में लाया जा रहा है। अरजीत काला चाहे जहाँ भी हो लेकिन जब तक वह पुलिस के समक्ष सरेंडर नहीं करता है हम उसको पकड़ने में सफलता नहीं प्राप्त करते। जो भी उपलब्ध विकल्प है हमारे पास कानून में बदल गया, हम सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके इसको अरेस्टिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू।